क्या आप उन लोगों में से हैं जो इंग्लिश को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, पर जब बोलने की बारी आती है तो फिर क्वेश्चन मार्क हो जाता है और तो और हम लोग समझ नहीं पाते कि हम लोगों को बोलना क्या है, कैसे बोलना है, क्योंकि वहाँ पर हम लोगों का जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो एकदम डाउन हो जाता है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि एक ऐसी ट्रिक जिससे आपका कॉन्फिडेंस अप जाएगा और आपका जो भी नर्वसनेस है आपको बोलने में वो एकदम ख़त्म हो जाएगी। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को और मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में इसी एक ट्रिक जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल अप हो जाए और आप फ्लुएंट इंग्लिश बोल पाएं। तो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। सो सबसे पहले गाइज, इस वीडियो को समझने के लिए और जानने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहती हूँ कि आप किस तरह से अपने कॉन्फिडेंस लेवल को डाउन कर देते हैं और किस तरह से अपने कॉन्फिडेंस लेवल को आप अप कर सकते हैं। जैसे कि हम सभी लोग मैरिजेस में जाते हैं, शादी और पार्टियों में जाते हैं, तो जब भी हम लोग पार्टीज़ वगैरह में या शादी में जाते हैं तो तब हम लोग बहुत ही ज़्यादा तैयार होते हैं और तो और हम लोग ये भी समझते हैं कि क्या, और हम लोग ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि जो मैंने पहन रखा है क्या मैं उसमें एकदम अच्छा लग रहा हूँ, क्या मेरी शर्ट अच्छी लग रही है, क्या मेरा गाउन अच्छा लग रहा है जो मैंने पहन रखा है। वहीं पे जब हम लोग उस मैरिज पार्टी में पहुँचते हैं तब वहाँ पे अगर हमसे आके कोई भी सामने से पूछ लेता है, अरे यार हम तो जल्दी में आ गए और मेरे पास तो प्रेस करने का भी टाइम नहीं था, आयन करने का भी टाइम नहीं था, इसलिए मैं तो ऐसे ही चला आया, तब वहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम अप हो जाता है और आप समझ जाते हैं कि जो मैं पहन के आया हूँ वो एकदम बेस्ट लग रहा है इसका मतलब। और तो और फिर आप एकदम बिल्कुल ही कॉन्फिडेंस के साथ उस पार्टी को एंजॉय करते हैं और कहीं पे भी आपको हिचकिचाहट नहीं लगती है क्योंकि आप एक बार फील कर चुके होते हैं कि आप बेस्ट लग रहे हैं। वहीं पे अगर मैं बात करूं, कोई आके आपको टोक दे और आपसे बोल दे आपकी शर्ट का बटन खुला हुआ है या फिर आप अपना दुपट्टा सही कर लें, तो उस सिचुएशन में आपका जो कॉन्फिडेंस होता है वो एकदम लो हो जाता है और आप उस पार्टी को बिल्कुल भी इंजॉय नहीं कर पाते हैं क्योंकि आप नर्वस फील करते हैं और आप पूरे टाइम अपने शर्ट के बटन को या अपने दुपट्टे को सही करते हुए आपकी पार्टी गुजर जाती है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ इस वीडियो में कि इंग्लिश बोलने के लिए जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखता है अपनी जगह पे। मैं आपको एक और एग्जांपल देना चाहती हूँ, यहाँ पे एक ट्रिक बताने जा रही हूँ जो मैंने अपने ऊपर अप्लाई की और उस ट्रिक से हमारा जो कॉन्फिडेंस था वो एकदम अप चला जाता था। तो ट्रिक ये है, जब भी मैं किसी इंटरव्यू देने जाता है तो वहाँ पे उसका कॉन्फिडेंस लेवल इतना लो रहता है कि वो समझता है कि जो इंटरव्यू ले रहा है बंदा वो मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड है और मुझसे ज़्यादा अच्छी उसकी इंग्लिश है, और आप अपने अंदर एक डर बिठा लेते हैं कि जो मेरी इंग्लिश है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और मैं उसके सामने अपने आप को कैसे प्रेजेंट करूँगा। क्या आपने कभी सोचा है कि जो इंटरव्यूअर है उसकी भी इंग्लिश अच्छी नहीं हो सकती है? क्योंकि मैं आपको बता दूं, ये जो दुनिया है, ये ज़िंदगी एक गेम है और हम सब ही उसके प्लेयर हैं, क्योंकि हर कोई अपने अंदर परफेक्शन नहीं रखता है, हर किसी के अंदर कोई ना कोई कमी ज़रूर होती है। तो जब भी इंटरव्यू के लिए मैं जाती थी मैं अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस रखती थी और मैं सोचती कि जो सामने वाला बंदा बैठा है मैं उसके बोलने से पहले ही मैं अपने आप को ऐसा प्रेजेंट करूं कि उसका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाए। जब भी आप ये सोचेंगे जो सामने वाला बंदा बैठा हुआ है उसको इंग्लिश नहीं आती है और फिर जब आप कॉन्फिडेंस के साथ बोलेंगे तो डेफिनेटली आप फ्लुएंट इंग्लिश बोल पाएंगे क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस ही आपको इंग्लिश बोलने के लिए एकदम रेडी रखता है। तो आपको सबसे पहले करना ये है कि अपने कॉन्फिडेंस लेवल को एकदम मेंटेन रखना है और किसी को भी अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। आपको
किसी को भी अपनी वीकनेस शो नहीं करनी है कि आपको इंग्लिश नहीं आती है। तो मैं आपको एक और एग्जांपल देने जा रही हूँ यहाँ पे। जब भी आप लोगों ने कभी साइकिल बचपन में चलाना सीखा होगा तो आपके पीछे भी आपके पेरेंट्स, आपके फादर या फिर आपका कोई बड़ा कोई ब्रदर आपकी साइकिल को पीछे पकड़े हुए होता है, तब आप कॉन्फिडेंटली साइकिल को चलाना सीखते हैं। बट क्या आपने फील किया है कि किन्हीं मोमेंट में, किन्हीं पलों में या 2-3 सेकंड के लिए आपकी साइकिल को पीछे से छोड़ दिया जाता है, फिर भी आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखते हैं कि पीछे मेरी साइकिल को कोई पकड़े हुए है तो इसलिए मैं गिरूंगा नहीं। बट वहीं पे अगर आपकी साइकिल को पीछे से कोई छोड़ दे और आप जान भी ना पाए तो आप साइकिल को बेहतर चला सकते हैं। बट वहीं पे अगर आपको लग जाए कि आपकी साइकिल को पीछे से नहीं पकड़ा हुआ है, आप अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं और आप साइकिल से गिर जाते हैं। तो ठीक उसी तरह आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना है इस तरह से कि मुझे आता है और मैं बोल सकता हूँ। जब भी आप कॉन्फिडेंटली बोलेंगे तभी आप फ्लुएंट बोल पाएंगे, जिस तरह से आप साइकिल चलाने के लिए प्रैक्टिस करते हैं। सो गाइज, आपको उसी तरह से अपनी इंग्लिश को फ्लुएंटली बोलने के लिए भी आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपकी इंग्लिश फ्लुएंट नहीं हो पाएगी, क्योंकि फ्लुएंसी लाने के लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत है और कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है। जब भी आप इंग्लिश को बोलने जा रहे हैं आप कॉन्फिडेंट रहें, और जब भी आप फ्लुएंट इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आपको उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और वो प्रैक्टिस कैसे होगी मैं आपको बता दूं कि जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप इंग्लिश में ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स को याद करें और फ्रेजेस को ज़रूर से ज़रूर याद रखें, क्योंकि इंग्लिश में इंग्लिश बोलने के लिए जो सबसे वाइटल रोल प्ले होता है वो फ्रेजेस का होता है। जितने ज़्यादा आपको फ्रेजेस लर्न होंगे उतने ही ज़्यादा आप स्मूथली इंग्लिश को बोल पाएंगे। तो मैंने आपको यहाँ पे दिए 2-3 एग्जांपल्स आपकी इंग्लिश से रिलेटेड, और आपको मैंने एक ट्रिक भी बताई कि कभी भी अपनी कमज़ोरी को किसी के ऊपर शो मत करो। जैसे ही आप अपनी कमज़ोरी को, अपनी वीकनेस को किसी के सामने शो कर देते हैं वहीं पे आपका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम डाउन हो जाता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप अपने कॉन्फिडेंस को एकदम बरकरार रखें और अपनी वीकनेस को किसी को भी शो होने नहीं दें, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आप एक बेहतर फ्लुएंट इंग्लिश को बोल पाएंगे। तो आई थिंक गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो बिल्कुल भी शेयर करें, लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, और कमेंट करके बताएं कि आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस आया है इंग्लिश बोलने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेके आऊंगी कुछ नया आपके लिए। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।